बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस विद एग्जांपल्स, स्पेसिफिकली फॉर प्रेजेंट टेंस। डायरेक्ट स्पीच, रहीमा सेड आई वर्क इन अ स्कूल, ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। वी रिपोर्ट सम वंस एग्जैक्ट वर्ड्स विद कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स को यूज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, रहीमा सेड दैट शी वर्कड इन अ स्कूल। वी रिपोर्ट सम वन वर्ड्स विदाउट क्विटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, मतलब सेम टू सेम अल्फाज में नहीं बल्कि उनको घुमा फिरा कर बयान किया जाता है। Rules for changing direct speech into indirect for present tense. जब simple present tense होगा यानी कि present indefinite tense होगा तो then हम उसको simple past tense में change कर देंगे। उसके बाद present continuous tense अगर हमारे पास दिया जाता है direct speech में तो जब उसको indirect में लेके जाएंगे तो past continuous tense में कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर हमारे पास दिया हुआ है तो जब हम उसको लेके जाएंगे इनडायरेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। इसकी एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की है, सिंपल प्रेजेंट की, शी सेड आई एम हैप्पी, शी सेड इनवर्टेड कॉमा है, तो ये कौन सी स्पीच हो गई, ये है डायरेक्ट स्पीच। इसको हमने इनडायरेक्ट में लेकर जाना है जब, तो इसको पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे और ये इनवर्टेड कॉमास को खत्म करने के बाद इनकी जगह पर क्या ऐड कर देंगे, दैट। तो देखेंगे शी सेड दैट, इनवर्टेड कॉमास की जगह पर क्या आ गया, दैट। अब जो आया है उसको हमने इस सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा शी और ये था प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में एम होता है तो पास्ट टेंस में क्या होगा, वाज, शी वाज हैप्पी, शी सेड दैट शी वाज हैप्पी। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को देखते हैं, अली सेड आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स, तो जब ये आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा तो अली सेड दैट और ही को हम अली के साथ चेंज कर देंगे, ही वाज लुकिंग फॉर हिज बुक। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आ जाएगा तो उसको किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। मदीहा सेड आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जब इधर लेके जाएंगे मदीहा सेड दैट, इनवर्टेड कॉमा का जगह पर क्या आ जाएगा, दैट और आई किसके साथ चेंज होगा, मदीहा के, शी के साथ। She had lived, पहले have था तो perfect में, past perfect में कौन सा helping verb होता है, had lived, third form वैसे ही रहेगी। Here को change कर देंगे there में for a long time। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी changings हैं उनको देख लेते हैं। आप देखते हैं change in modal verb, जब भी can का word आ जाएगा उसे could में change कर देना है, may का word आ जाएगा might में, will को would में, shall को should में, change in time expression now को then में, ठीक है, here को there में, जैसे कि हेयर को देयर में, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हेयर था, जब यहाँ पे हम आए इनडायरेक्ट में तो उसे देयर में चेंज कर दिया, अगो बिफोर में, टुडे, दैट डे में, इसी तरह ये बाकी चेंजिंग टुमारो, यस्टरडे और लास्ट नाइट भी। अब नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन प्लेस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स, हेयर को देयर में चेंज करेंगे, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, दिस को दैट में चेंज करेंगे, दिस को दोज में चेंज करेंगे। नेक्स्ट इसकी सम एग्जाम्पल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, हमें प्रॉपरली इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, सरवत सेड, सेड आई डू नॉट लाइक गोइंग आउट मच। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये है जी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, क्योंकि उसमें क्या आता है, डू डज का इस्तेमाल होता है, तो इसे हम किस में ले जाएंगे, डिड में, जो कि पास्ट इंडेफिनेट का है। सरवत टोल्ड दैट, आई को हम इसके साथ चेंज कर देंगे सरवत के साथ, शी डिड नॉट गोइंग आउट मच, क्या आएगा, सरवत टोल्ड दैट शी डिड नॉट गोइंग आउट मच। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, ही सेड दे नेवर अराइव ऑन टाइम, अराइव ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, इसे पास्ट इंडेफिनेट में ले जाएंगे। ही सेड दैट दे नेवर अराइव्ड ऑन टाइम। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, दे सेड टू अस वी ऑफन विस्ट आवर फ्रेंड इन कश्मीर, जब इसको चेंज करेंगे दे टोल्ड अस, इनवर्टेड कॉमा पर दैट आ जाएगा, वी को चेंज कर देंगे दे के साथ, दे ऑफन विजिटेड देयर फ्रेंड्स इन कश्मीर। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेंटेंस नंबर फोर, अफशान सेड वी आर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी,
जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो अफशान सेड इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट आ जाएगा, वी को अफशान के साथ हम एक्सचेंज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा वी की जगह पे दे वर, यहाँ पे था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसको चेंज किस में करना था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर आ जाएगा, वर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस को भी सॉल्व किया हुआ है, माई ब्रदर सेड टू मी आई डिड नॉट गो आउट एट द वीकेंड, जब इसे हम चेंज करेंगे माई ब्रदर टोल्ड मी इनवर्टेड कॉमास की जहाँ पे दैट आ जाएगा, ही हैड नॉट गोन आउट एट द वीकेंड। नेक्स्ट है जी सिक्स सेंटेंस, अली सेड आई लाइक टू ईट बनानाज, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, अली सेड दैट ही लाइक, लाइक यहाँ पे था प्रेजेंट इंडेफिनेट तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट, यानी कि सेकेंड वन, लाइक टू ईट बनानाज, ही सेड आई एम ड्राइविंग अ कार, ही सेड दैट ही वॉज ड्राइविंग अ कार। नेक्स्ट है दे सेड आर वर्क हैज बीन फिनिश्ड, इसका आंसर आएगा दे सेड दैट देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड, यहाँ पे आएगा अरफान सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, अरफान टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय, ही सेड आई हैव बीन सिक ऑल वीक, ही सेड दैट ही हैड बीन सिक ऑल वीक। ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।